मैं जा रहा हूँ दुबई, पूरा गांव वाले को जा रहे थे। नहीं जा रहा। कहाँ जाएगी यार, बर्तन मल लेगी। हाँ कुछ भी करूँगी, मैं जा रहा हूँ। कैसे हुआ आप लोग, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे और सुरक्षित होंगे। गाइज आज ना बंदर जी के साथ में बहुत ज़्यादा इमोशनल फेयरिंग करने वाला हूँ, वो भी ना सोच के हैरान है कि आज ना मेरा वीज़ा बनने के लिए दिया था, मेरा वहाँ पे जॉब लग गया, मैं जाने वाला हूँ दुबई। तो इसके वजह से जो बंदर जी का जो रिएक्शन होगा बहुत ही तगड़ा और खतरनाक होने वाला, आज बंदर जी को बहुत ज़्यादा इमोशनल करने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि आने वाला नोटिफिकेशन मिल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ फॉलो कर लीजिए, अगर ऐसा कॉमेडी सा रील्स बना है। तो गाइस चलिए बंदर जी का जो आज रिएक्शन है ना बहुत ही तगड़ा इमोशनल वाला दिखाने वाला, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर में। बंदर जी का आज बहुत ज़्यादा रोने वाला, तो चलिए कैमरा वैमरा मुझे सेटल भी करना है और बैग भी पैक करना है, चलिए दिखाते हैं बंदर जी का रिएक्शन। Few moments later, फाइनली यहाँ पे कैमरा सेटल कर दे रहा हूँ और वंदना जी है नहीं, वो बाहर ही है, तो मैं उसको आवाज देके बुलाऊंगा और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होने वाला आज। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अरे सुन तू क्या कर रही है, हाँ? आ रही हूँ। अरे यार जल्दी खाना को ना दो, मेरे को जल्दी यार, बस दो मिनट रुक रही हूँ। क्या चलिए फटाफट खाना देती हूँ। अरे खाना निकालो ना, ये क्या है, हा? अरे मेरे को जाना है यार जल्दी। अरे बैग क्यों निकाले हो? अरे मेरे को जाना है, जो मैंने अप्लाई नहीं किया था। बैग निकाल के रखे, कपड़े निकाल रहे हो? अरे तो मैंने जो वीजा अप्लाई किया था ना मैं, वो बन गया है मेरा, ठीक है? हाँ तो उसका क्या करो, मेरा जॉब लग गया है, मैं जाऊंगा वहाँ। खाना खा, मस्ती मत करो यार, चलो। अरे मजाक नहीं कर रहा यार, तुम सीरियस सोच नहीं रहे। चलो खाना मजाक मत करो, रखो बड़ा बड़ा अंदर ही तो मजाक करने बैठे हो। अभी मुझे अभी नहीं खाना है, मेरे को फटाफट, मेरा फ्लाइट है, मेरा फ्लाइट छूट जाएगा। क्या सच में जा रहे हो? तो क्या झूठ लग रहा है तुम्हें क्या है? हाँ? मजाक लग रहा है क्या है यहाँ पर फालतू का नाम बताना, समझ रहे हो? समझ रहे हो? मुझे जाना है, समझ रहे हो ना यार, मुझे बताया भी नहीं, आप मुझे बोले ये सब बताना, ठीक है मुझे भी लेना भी, चलो कपड़ा पैक कर रही हूँ, पहले बता दे तो मैं दो एब्रो बनवा लेती जाके। तुम पागल है क्या है? चलो ये लो, प्यारी समझ गई। तुम्हारा क्या वीजा बना हुआ जब तुम जाएगी दुबई? ऐसे चला अकेले चले जाएंगे आप? दुबई ऐसे चला जाता है इंसान, तो मुझे ऐसे छोड़ के आप वीजा अप्लाई करना पड़ता है। मैंने वीजा अप्लाई किया था अपना, तब जाके अप्लाई हुआ, मेरा बन गया, तो इसके वजह से मैं जा रहा हूँ। इंडिया थोड़ी है कि ऐसे चले जाओ कहीं भी। तो मुझे आपको बोलना चाहिए ना, पहले आपको बोलना चाहिए ना ये बात। क्या पहले मैं जा रहा हूँ, मैंने वीजा अप्लाई किया है, मेरा पासपोर्ट बन गया है। अरे तो भाई तो जाऊंगा अभी तो कुछ दिन के लिए, बाद में तुम्हें भी ले आऊंगा। नहीं मेरे को कुछ नहीं पता है, मैं अभी चलूंगी जैसा भी जाना हो। अरे तुम कैसे चले जाएगी, तो इंडिया थोड़ी है बिना वीजा के कभी कहीं भी चले जाओ। ठीक है फिर मैं काम धंधा करूंगा, पता है कि पैसे का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ऐसे अभी दिक्कत हो रहा है। आप नहीं जा रहे, मेरे को नहीं पता फिर क्या पता नहीं यार, बड़ा हरामी हो बेटा। कहाँ चली गई? मेरे को कुछ नहीं पता है, मैं नहीं, फालतू का मत करो, मेरे को कहीं नहीं जाना है आपको। आप जाओगे तो मैं भी चलूंगी, पहले आपको बोल रही हूँ। मेरे को ऐसा हालत में आप छोड़ के चले जाओगे बताना। अरे भाई पैसे का दिक्कत, कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा बताना, कैसा देखेगा? तो घर वाले है ना देखने, घर वाले नहीं, मुझे आप चाहिए, मेरे को घर में जा, घर वाला मेरे को नहीं, कौन देखेगा कैसा देखेगा, ये हालत में मुझे आप इतना दूर छोड़ यहाँ पे तो सब लोग है ना, मम्मी पापा सब लोग है ही है। हाँ तो मुझे नहीं उनसे मतलब है ना, मुझे आपसे मतलब है, मुझे आपके साथ। अरे पैसा क्या चाहते हो, तुम्हें बाद में लेते जाऊंगा यार, मुझे पैसे, मेरा फ्लाइट छूट जाएगा, मेरे को कल सुबह 11 बजे बाद निकलना है, मेरे को बैग पैक करना है मेरे को। नहीं कुछ भी पैक वैक नहीं कर रहे यार, फालतू का काम मत करो। क्या फालतू, मुझे आप पहले नहीं बताया कि आप, मैं वीजा अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट बन गया है, मैं दुबई जा रहा हूँ। तो मैं काम कर लूंगा, थोड़ा बहुत पैसा कौड़ी हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें भी ले जाऊंगा अप्लाई करने। नहीं मेरे को, तुम वहाँ जाके क्या करेगी, वहाँ जाके तुम क्या करेगी, वहाँ पे जाके मैं कुछ भी करूँ, झाड़ू पोछा बर्तन सही पकड़े हैं, झाड़ू मार लूंगी, झाड़ू पोछा करूंगी, कुछ भी करूंगी, पर मैं आपके साथ में
कहीं भी जाऊंगी आपके साथ में रहूंगी, मेरे को फालतू में नहीं चाहिए। नहीं अभी मैं कुछ काम कर लूंगा, पैसा कमा लूंगा, उसके बाद तुम्हें फिर लेने के लिए मैं आ जाऊंगा, ठीक है? अभी मेरा वहाँ पे जॉब लगा है, मेरे को जॉब करने दो दुबई में, उसके बाद फिर मैं अपने आप तुम्हें भी सेटल कर दूंगा। यार मत कीजिए, नहीं जाना है आपको, अकेले छोड़ के मुझे कैसे चले जाएंगे बताना। नहीं जाना है आपको, कहीं नहीं जाना है आपको, फालतू का काम कर रहे हैं, मैं आ रही हूँ बाहर से, कहीं नहीं जाना है आपको। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। कपड़ा दे दिया, मेरा वो बाहर में चट्टी होगा, चट्टी ले जाना। चलो खाना खाएंगे यार, कहीं नहीं जा रहे हो, फालतू का क्यों कर रहे हो? तो मम्मी पापा आए ना? नहीं मेरे को नहीं, मेरे को किसी को ध्यान देना है। मम्मी पापा को मैं बताऊंगी, आप बताए मम्मी पापा को? बोले पहले बड़े लोगों से बोलना चाहिए ना आपको। मैं नहीं बोला, मैं पूरा गांव में ढिंढोरा पीटूं कि मैं जा रहा हूँ दुबई। मुझे भी आप नहीं बताए, मम्मी पापा को नहीं बताया, घर में किसी बड़े आदमी को बताते हैं कि जाते हैं। मतलब मैं जाऊँ दुबई तो मतलब सबको ढिंढोरा पीट के जाऊँ, मैं जा रहा हूँ दुबई, पूरा गाँव वाले को बता के जाऊँ। यही नहीं अभी और सुनिए, मुझे भी नहीं बोले आप, कहीं नहीं जा रहे फालतू का, नहीं यार मेरे को कैसा मैं रहूंगी बताना। अरे मैं कुछ पैसा कमा लूंगा, उसके बाद आ जाऊंगा यार, तुम समझा करो बात को। नहीं ऐसे ही रहेंगे, जैसा हम लोग रहेंगे वैसे ही रहेंगे। ये इमोशनल वाला मत मुझे दिखाया, मेरे को आप कहीं नहीं जा रहे यार, जैसा भी रहेंगे जैसा भी एडजस्ट करेंगे हर चीज को, पर नहीं कहीं नहीं जा रहे, फालतू की मत करो। यही तुम्हारा नाटक हो जाता रोने में, रोने के बाद अति हो जाता है, नाटक हो जाता है तुम्हारा। मेरा फ्लाइट छूट जाएगा, मैं कुछ दिन के लिए जाने दे, एक साल के बाद, छह महीने के बाद मैं वापस चले आऊंगा। नहीं एक साल क्या, एक साल में सब कुछ हो जाएगा, मेरे को नहीं, एक साल क्या, छह महीने के लिए भी नहीं, दो महीने के लिए भी नहीं। और मेरा बात तो समझो आप, किसके भरोसे, मम्मी पापा भरोसे मुझे छोड़ के यहाँ पे जा रहे हो ऐसी हालत में? यहाँ पे आए ना सब लोग, फ्लाइट मेरा छूट जाएगा यार, मैं कुछ दिन के लिए जाने दो, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार, इस बार तो आपने कुछ कहा। बन के आ गया है वहाँ पे, अप्लाई हो गया, मेरा काम वहाँ पे सेटल हो गया, काम लग गया है, कुछ समझती क्यों नहीं बात को? जाने वक्त ये तुम्हारा रोना धोना हो जाता है, तुम्हारा इमोशनल वाला काम कर देती है तुम। नहीं जा रही, मैं तो 5-6 महीने में, एक साल में मैं कुछ मतलब अति कर लूंगा, पैसे उसे कमा लूंगा, उसके बाद तुम्हारा भी वीजा बनवा दूंगा, फिर मैं खुद आ जाऊंगा लेने के लिए। नहीं कोई, अरे खुद आ जाऊंगा लेने के लिए। नहीं इमोशनल क्यों हो रही है तुम? नहीं जाना आपको, मैं यहाँ पे कैसे रहूंगी अकेले बताना, अभी मुझे बोले भी नहीं पहले की मैं जा रहा हूँ। तो मैं अप्लाई किया था, वो पता रहा था कि कब अप्लाई हो जाए, आप बन के आ जाएगा। मेरा भी करना चाहिए था ना। तो ऐसा कैसे कोई तुम्हारा कर दूंगा यार, मैं काम धंधा में करने के लिए जा रहा हूँ, कुछ पैसा कमा लूंगा थोड़ा, अभी पता है पैसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ घर में क्या करेगी बैठ के? घर में मैं बैठ के क्या करूंगा, मिट्टी खाऊंगा, पैसा नहीं रहेगा तो यहीं पे कहीं करो। यहीं पे क्या करूँ, यहाँ पे पैसा उतना नहीं है, उतना पैसा नहीं कमा पाते। तो जितना है यार, तुम समझती क्यों नहीं बात को यार, कहीं जाने का प्लानिंग हुआ तो मतलब तुम्हारा इमोशनल वाला काम हो जाता है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर। कभी सुखी से तुम जाने नहीं देती है कभी, तुम यहाँ पे नहीं जाना है आपको, यहाँ पे आए ना मम्मी पापा देखने के लिए, मम्मी पापा का पास देखभाल करेगी। मैं 6 साल में, 1 साल में, 1 साल में मैं वापस चले जाऊंगा फिर बाद में। अरे चुप हो जा यार, तू क्यों रो रही है यार, मुझे तो कुछ दिन के लिए जाने थे। समझा कर यार, जब कुछ दिन के बाद मैं वापस चले आऊंगा। नहीं फिर नहीं, नहीं मेरा वीजा बना हुआ है, पैसा इतना लगा हुआ है, मिलता नहीं है जल्दी वीजा, किसी तरह तो मिल गया है वीजा, मैं कुछ दिन के लिए वापस चले आऊंगा। रोमा चलो खाना खा लेना यार, तुम खाना खा लो ठीक है, मेरे को कल सुबह निकलना है, समझा करो बात को, मेरे को कल सुबह फटाफट मेरे को निकलना है। नहीं
अरे चलो खाना खा लो, मैं फिर मेरे को फटाफट बैग पैक हो गया, मेरे को काम काम करके फिर मैं निकल जाऊंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? यही इमोशनल ले तुम्हारा, तो मेरा ना सब जगह पे पैसा कमाने का अथी नहीं करती है तुम। मेरे को नहीं चाहिए पैसा, दे जाऊंगी, पता ही नहीं जाना। और वो भी एक सब वहाँ पे इतना दूर छोड़ के बोले ना। अरे तो वापस आ जाऊंगा, 6 महीने बाद वापस आ जाऊंगा ना मैं। एक हफ्ते के लिए भी नहीं जाना है। अरे ज्यादा रोएगी तो मेरा वीडियो खराब हो जाएगा यार। तो गाइस ये देख लो, रोने वाले मुंह ढक लिए गाइस, देख लिया वो, देख वहाँ कैमरा सेटल कर रखा हूँ, शक्ल तो दिखा दे वहाँ। तो गाइस कैसा लगा बंदा जी का? देख लिया दुबई जाने का बारी आ गया, तो देखे कैसे रोने धोना चालू हो गया, कहाँ क्या आने नहीं देती है जल्दी। अभी तो बोलेगी ना, अभी पता लग गया ना कि फ्रेंक कर रहा था। तो गाइस कैसा लगा, देख लिया दुबई जाने का बारे में, देखो रोने धोनो शक्ल कैसे बना ली रो के। तो गाइस हो आप सबको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार के साथ में, फ्रेंक के साथ में। तो कल जो तगड़े वाला फ्रेंक आने वाला गाइस, जो हम साले के साथ में किए, ज्यादा से ज्यादा उसको वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और हमारे चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट जाकर, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला आपको नोटिस पर मिल सके। गाइस ऐसे धमाकेदार के फ्रेंक के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए